उनका नहीं है पता, वो पहचान नहीं हो रही उन पे, मिले नहीं अभी। हाँ नहीं नहीं ये सो दोस्तों लाइव आ गोताखोर प्रगट सिंह फ्री सेवा और आज उत्तराखंड पहुंचे हैं और अपना जो सर्च सी लगातार अपनी टीम के नाल जारी है। एक लवारी लाश अजे तक जरूर मिली है, थले रेते दे विचों कढ के लए आ। अगर परिवार यस करता ठीक है, नहीं तो इत्थे पुलिस नाल संपर्क करके उन्होंने हवाले करांगे। और जेड़े केस च असी आए हैं, दो नौजवान बच्चे जो डुबे ने उन्हां दी लाशां लभण वास्ते दोबारा फिर अपना सर्च जारी रखांगे। फिलहाल उत्तराखंड की पावन धरती से जरूर हाँ और इत्थे तमाम लोग मौजूद ने, जो एक लाश थलों जरूर बरामद हुई है। और लाश के बारे मैं जानकारी दे दा कि एक ग्रे कलर का लोअर है और डब्बिया वाला कमीज है और बाकी हाथ पैर खाली सारा कुछ है नहीं। और कोई है टोपा था कोई? हाँ वो जेब में डल रहे, वो सिर्फ जेब में डल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं वो सिर सिर पर लगाने का है, नहीं नहीं वो सिर पे लगाने वाला है, सिर पे लगाने का चेहरा मोटा मोटा एलिमेंट है। अरे नहीं वैसा नहीं होता यार, कपड़ा बांध के रखते हो आता पट्टी टाइप ही बारीक सा। फोटो वैसे खींच के रख, पीछे जो भाई पीछे फिर अगे का चलना नहीं सिलेंडर, फिर पीछे चली है, फिर पीछे चली है पीछे। कौन पड़ा भैया? जो दुकान पड़ा बेटा, जो भी बंदा ही है आदमी, बस छोड़ो छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं। कुछ नहीं ना नहीं है, सो दोस्तों लाश अजे नहीं विखा सकते क्योंकि फेसबुक वीडियो बैन कर देता, लेकिन अज इन्नी दूर आए हैं, सेवा सफल हुई और महज अद्धे घंटे के सर्च के दौरान थले रेते फसी एक नौजवान की लाश जरूर मिल गई। उन्हें किनारी ते ला दिता गया और जो लोकल उत्तराखंड की पुलिस है उन्होंने मैसेज दे दिता। परिवार भी अजे क्लीयर कर रहा कि शायद उन्होंने बच्चा हो सकता या नहीं, क्योंकि अजे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी के बॉडी तकरीबन डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और ग्रे कलर का इन्हें लोअर पाया। सो बहुत ज़्यादा पब्लिक इतने इकट्ठी है, सो प्लीज जिन्हें भी वीर लाइव वेख रहे हो शेयर जरूर करी जाना, लेना लेना पे। सो साडा जो टीम के अहम साथी ने सिंदर इन्होंने अपनी सेवा के नाल इस लाश को बाहर कढ़िया थलों रेते जो कढ़ के लिए ने। सो लाइव जुड़े रहो और शेयर जरूर करी जाना। फोटो क्यों खेच रहे हैं? आपको आपको चक्कर पड़ जाएगा, पुलिस आएगी यहाँ, उधर मत खेचो बेटा तुम मानो नहीं। लिवार से लिवार से भाई लिवार तो भी उड़े रहो यार, तू भी जानते हो आप इसको ढूंढ रहे हो नहीं मिला। अरे देखिए बोलो देखो भाई 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 साहब हेलमेट वाले हां भाई प्लीज आ जाओ, जब तक पता चलता है मेहरबानी कर दो दुकान पड़ा ही होता। चलो फिर 5-6 दिन बारी का कर रहे हो, कोई आ रहा है ना रेता बड़ा
जो इधर की तरफ है ना, उधर का तो है ना पक्का, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारा रास्ता हुआ हुआ है। ये वाला जो चल रहा है ये निकाल, फेसबुक से हाँ निकाल, फेसबुक के बाद हाँ जी हाँ करनाल, उसके बाद बाइक भी निकाली, बथेरा कुछ निकाल दिया हमला तो भाई। सो दोस्तों डेड बॉडी की जो शिनाख्त नहीं हुई, लोकल उत्तराखंड पुलिस को मैसेज देता, जल्दी पुलिस आएगी और फिर इस लाश को कढ़िया जाएगा। लेकिन वड्डी खबर यह है कि उत्तराखंड आए सा बड़ी दूरों कुरुक्षेत्र तो चल के, और कितने ना कि सेवा जरूर, असलम खान जी सत श्री अकाल, सेवा सफल हुई है। एक लाश थले 20 फुट रेते दे विच फसी हुई सी, शायद अगर असी अज सर्च ना करते तो आ लाश सारी उम्र इतने फसी फसी खत्म हो जाती, माँ बाप तड़फते मर जाते, अगर परिवार की होगी तो ठीक है, अगर नहीं तो लवारिस होगी। तो सेवा जरूर ठंड के सफल हुई है, जो लाश और लवारिस मिली है। सो लाइव के नाल जुड़े रहना और शेयर जरूर करी जाना। और एक लाश आँदी आप अद्धे घंटे के सर्च तो बाद सिलेंडर के नाल कढ़ दी है। सो धन्यवाद लाइव के नाल जुड़न लई। अजय फैमिली यस कर रही है भी कान दे विच वाली साडे बच्चे ने पाई है, देखते हैं क्योंकि 5-6 दिन पुरानी ये लाश है। थले रेते दे विचो वेखो किड्डी खतरनाक नदी जिदे विच सिलेंडर किट ला के असी सर्च कर रहे सौ, रेते दे विचो एक लाश जरूर मिल गई। उत्तराखंड पहुंचे हैं।